गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन का अपना नेक्स्ट लेक्चर है ना। अभी तक हम लोगों ने मतलब टाइप्स ऑफ पॉइंट देख चुका है, मतलब सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये देख चुका है, यस और नो। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया है लाइक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में खत्म हुआ है कि उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ना। बहुत सारी हम लोगों ने चीज़ें देख ली है। आई थिंक आज ये आठवां लेक्चर है, मोस्ट प्रॉब्ली आठवां लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। आ जाइए, अपनी हेडिंग रीड ही कर लिया होगा, है ना? रीड नहीं किया, कोई नहीं, तो मैं बताता हूँ ना, जाना। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन। एक तो है आपका पैरेलल, पैरेलल कैसा है, पैरेलल। अब ये है क्यों सर, क्यों पढ़ा रहे हो जेई का, इसका वेटेज वोटेज है ना, टॉपिक है छोटा सा। तो वेटेज देखो, वेटेज इसका जो बोलो, अगर वेटेज एटेज मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ हम लोग जब तक देखो आप खुद मान लो कि अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचना है डायरेक्ट में उड़ के तो पहुँच नहीं सकता, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, मैं सुपरमैन नहीं हूँ, है ना। तो मैं पहला बेसिक स्टेप ही जाऊँगा ना, ये सॉर्ट में तो बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्या है भाई, पैरेलली शिफ्ट करना है एक्सेस को, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर दें। तो मैं पहला एक्सेस अपना ब्लैक से बना रहा हूँ, देखो जरा अपना जो फर्स्ट एक्सेस है उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ध्यान दो जरा, है ना। देखो जरा इसको, अपने को पीछे साइड से ज्यादा मतलब नहीं है इसलिए अभी आगे का ही दिख रहे हैं। ओके, तो ये अपना ओरिजन है 0.0। देखो बिल्कुल फील लेना है सर, फील लेना है, फील लेके पढ़ना है ना, सिर्फ फिजिक्स नहीं, मैथ्स को भी फील लिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं न्यू ओरिजन बना रहा हूँ, ये मान लो मेरा ओल्ड ओरिजन है, ठीक है, ये मेरा ओल्ड वाला है, पुरानी दुरानी चीज है जिसका ओरिजन 0.0 है। अब मैं न्यू बना रहा हूँ, न्यू बना रहा हूँ मतलब मैं इसको पैरेलली थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। पैरेलली शिफ्ट मतलब क्या, इसको उठा के ऐसे मतलब ऊपर भी शिफ्ट कर रहा हूँ और वाई में, लेकिन पैरेलली एंगल के साथ नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। जब पैरेलली शिफ्ट करूंगा देखो थोड़ा मैंने ऊपर, रुको चेंज करते हैं, मैंने बोला ना मैं रेड लूंगा, ये देखो मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूँ। तो मैंने ये वाई एक्सेस को शिफ्ट किया पैरेलली, ऐसा होने देखो ना पैरेलली शिफ्ट किया सर, ऐसे शिफ्ट कर, ऐसे शिफ्ट करने में क्या हो रहा है, अरे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन के लिए ऐसे कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अभी मान लो वाई एक्सेस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सेस, न्यू वाई एक्सेस हो गया। और इस पॉइंट को मैं एच कॉमा के नाम देता हूँ, मतलब इस ओरिजन को मैं एच कॉमा के नाम देता हूँ। तो मैं पहला पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे क्या, जो मेरा न्यू ओरिजन होगा, न्यू ओरिजन वो क्या है भाई, मेरा एच कॉमा के, यस और नो, जो मेरा न्यू ओरिजन है भाई एच कॉमा के है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, सारी डाटा उधर ही लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं मान लेता हूँ मेरा पी पॉइंट की यहाँ पे, बहुत पहले से था पी पॉइंट, मेरे बचपन में था, इसका जो कोऑर्डिनेट था जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है पी एक्स कॉमा वाई है ना। तो यहाँ से एक चीज से माननी पड़ेगी सर, ओल्ड वाला जो होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा, बिल्कुल जो ओल्ड होगा वो मेरा क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो मैं लिख देता हूँ ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड मतलब क्या सर, बाबा आदम के जमाने वाला नहीं, नहीं यार भिड़े वाला नहीं, वो मेरे जमाने वाला नहीं, ओल्ड मतलब कि उस 0.0 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 0.0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, भिड़े सर के रिस्पेक्ट में नहीं, वही तो टीचर है ना, उसमें टीचर बने है ना। चलिए तो रिस्पेक्ट यार, मुझे भूल गया था कि भिड़े एक्चुअली टीचर बने उसमें, है ना, नहीं तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने टीचर की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, करना भी चाहिए यार, है ना। सॉरी मेरे छोड़ दो, मैं टीचर हूँ नहीं, मेरे को टीचर बनना ही नहीं है भाई, इसको कितने मतलब कॉलेज वाले टीचर लोग कितने खुन्नस निकालते हैं, मतलब कितना वो करते हैं यार, थोड़ी सी हेल्प मांग लो तो हेल्प नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए मेरे से। मैं टीचर हूँ नहीं, मैं तो आपका दोस्त हूँ यार, या तो मुझे टीचर समझने कभी गलती मत करना, जब भी मिलूंगा आपसे कभी, है ना, तो भैया कह के बुलाना है, नाम से बुलाना है, प्रेस करके बुलाना, ठीक है, हाई करके बुलाना, उसका छोड़ दो, टीचर बेचारा मैं हूँ ही नहीं पहली बात, है ना। आ जाओ, तो पी एक्स कॉमा वाई क्या है मेरा सर, तो पी एक्स कॉमा वाई जो है मेरा, एक्स कॉमा वाई है मेरा वो ओल्ड है, मतलब पी एक्स कॉमा वाई इज अ कोऑर्डिनेट, इज अ कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन 0.0, यस और नो, ठीक है सर। सर अगर इसके रिस्पेक्ट में है, इस ओरिजन के रिस्पेक्ट में 0.0 है, तो फिर इस ओरिजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अज्यूम कर लेते, कुछ अजम्पशन कर लेते, फिर रिलेशन निकाल लेंगे। तो चलो, तो इस मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू ओरिजन के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। सर कैपिटल एक्स कॉमा वाई क्यों मान रहे हो, कुछ और नहीं मान सकते, अरे मानो ना भाई, आप राजू कॉमा कालू मान लो, है ना, जैसे अनीस कॉमा आतिश मान लो, है ना, जैसे आपका नाम मान लो कुछ भी हो सकता है, राजू और आपकी गर्लफ्रेंड का नाम जो भी है, आप तो सिंगल हो मेरे जैसे, हाँ वैसे यार आज क्या वो आने वाले ना भाई, आज तो कुछ है, आई थिंक आज तो कुछ है, आज 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक भाई, लेकिन आप लोगों को इस सबसे क्या मतलब भाई, आप लोग तो मेरे जैसे ही हो, उसको भूल ही जाओ। फिर पी एक्स कॉमा वाई इज अ
न्यू कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन ओरिजन एच कॉमा के, है ना। चल ठीक है भाई, ओके। अब मुझे इन तीनों में रिलेशन चाहिए, किसमें मुझे रिलेशन चाहिए, एच वाई और एच वाई, एच स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई, मतलब इन सब में रिलेशन चाहिए। ओके चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है ड्रॉ करते हैं। कि पी के रिस्पेक्ट में बात हुई है तो देखो जरा, इस पी को मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है पी को मैं ये सिर्फ मिटा देता हूँ, पी मान लो यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, सर ये वाली डिस्टेंस होगी कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि देखो आपने क्या बोला सर कि पी एक्स कॉमा वाई जो है वो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड रीजन, और मेरे लिए तो एक्सेस अभी है न्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा हो जाएगा कैपिटल वाई, मैं बोला वेरी गुड। और ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई, सर ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स, यस और नो, हाँ वो तो जाएगा, ठीक है ठीक है। चल फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होता, सर ये कितना होगा ये डिस्टेंस, ओके तो ये है एच हो जाएगा, यस और नो, कैसे, देखो ना ये एच आगे गया है ना सर, ये तो आपका एच हो जाएगा, यस और नो, ओके तो जब ये एच होगा, ओके 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 ठीक है सर एच आगे गया, ओके। और ये कितना होगा सर, ये के हो जाएगा, यस और नो, हाँ बात तो सही है, ठीक है ओके ओके। अब मैं ना नेक्स्ट सवाल है, ये पी पॉइंट है, यस और नो आप सब जानते हो, इस पी पॉइंट से ओल्ड वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इस पी पॉइंट की ओल्ड वाई एक्सिस की डिस्टेंस, सर आपने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई को ओल्ड माना है, हाँ माना है फिर, तो सर ये आपकी कहीं वाई तो नहीं हो जाएगी, हाँ जिसने भी स्मॉल वाई सोचा है वेरी गुड, ओके ओके ठीक है। चलिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, अगर नहीं समझेगा ट्रिक बताऊंगा याद हो जाएगा, ट्रिक बताऊंगा याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ट्रिक बताएंगे खत्म कहानी, है ना। इसको समझना जरूरी इसलिए है, मान लो जिसके अंदर, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रूफ के बिना मजा नहीं आता, तो प्रूफ उनके लिए है, जिनको नहीं भाई अपने को जे में सिलेक्शन चाहिए, मैथ्स में अपने को पीएचडी नहीं करने का, आईआईटी में जाके पीएचडी कर देंगे, वहाँ पे जाके आईआईटी में जाना मेन फोकस है, प्रूफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, तो फालतू चीज़ों में, और जो रिपीटर है तो उनको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, ओके। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है सर कि ये क्या है, ये डिस्टेंस सर ये होगा स्मॉल एक्स, हाँ बिल्कुल। तो अब मैं पूछता हूँ, मैं अब ध्यान देता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि स्मॉल एक्स को, स्मॉल एक्स को मैं कैपिटल एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ कि नहीं, स्मॉल एक्स को, ये जितना स्मॉल एक्स है यस और नो, तो इसको मैं कैपिटल एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, ओके। सिमिलरली स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, कैपिटल वाई प्लस के लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, ओके। तो वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। तो अब मैं बोलता हूँ ट्रिक, ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, है ना, क्योंकि ऐसे तो आप कर ही लोगे, ऐसे तो आप कर लोगे, ऐसे आप अगर समझ गए होगे तो कर लोगे, लेकिन बार बार थोड़ी ना करते बैठेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, ओल्ड ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लस प्लस न्यू ओरिजन, न्यू ओरिजन, यस और नो, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं ताकि और ज़्यादा बड़े, देखो यहाँ पे देखो, ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, न्यू ओरिजन। सर ये कैसे लिखा आपने, बताते हैं, समझाते रुक जाओ जरा, देखो अब समझाते रुक, ये लिखो, इसको बॉक्स पैक कर दिया। अब देखो एक्स क्या है आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट, वाई क्या है आपका न्यू कोऑर्डिनेट, एच क्या है आपका ओल्ड न्यू ओरिजन, एच क्या है आपका न्यू ओरिजन, यस और नो। सिर्फ एक स्टेप, चलो मेरे साथ बोलो, चलो 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 मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलना है, चलो सर माना नहीं है, क्या बोलना है सर, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, बोलो ओल्ड कोऑर्डिनेट, बोलो, अरे बोलो शर्मा क्यों रहे हो यार, शर्मा आ गई क्या, मम्मी आ गई क्या, फोन कार्ड दिखा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, चलो ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, ठीक है पक्का, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, ठीक है चलो। तो लिख लो भाई इसको, अब इसमें करते हैं न्यूमेरिकल, तीन चार टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, जो डायरेक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन तीन मतलब जो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तीन या चार टाइप के बनते हैं, तीन या चार टाइप के, चलिए दिखाते हैं आपको, आ जाइए लिख लिया, लिख लो इसको पहले।
तो इरेज करें आ जाओ, तो इसको ये करते हैं इरेज और आगे चलते हैं, अब लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, दो है ओरिजिन शिफ्टिंग में, दो आएगा, एक पैरेलल शिफ्टिंग आ जाएगी जो हम लोग कर रहे हैं, और एक रोटेशन ऑफ आपका ये एक्सेस आ जाएगा, बाय थीटा एंगल रोटेट करेंगे, सो डोंट वरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही होगा। ओके, तो शुरू करें, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर बहुत बहुत पहला क्वेश्चन है, आपको कैसा देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सर, आपको क्या बोल देगा, है ना। जेई में ऐसा देता नहीं क्योंकि अपने इंसल्ट फील करते हैं, लेकिन मान लो कभी कभार दे दिया, क्या बोल दिया, इफ न्यू कोऑर्डिनेट इज 3,4, इफ न्यू कोऑर्डिनेट इज 3,4 एंड न्यू ओरिजन इज 5,7, फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट। एक ऐसा पूछा जा सकता है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस और नो। तो फॉर्मूला सॉल्यूशन आ जाओ, तो फॉर्मूला बोलो क्या है भाई, वही शॉर्ट वाला क्या फॉर्मूला था बोलो, जो हम लोग ने लिखा था नीचे, क्या था ओल्ड कोऑर्डिनेट, बोलो ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस इक्वल्स टू, प्लस आएगा इक्वल्स टू आएगा ना, प्लस नहीं आएगा इक्वल्स टू आएगा, यस और नो, इक्वल्स टू व्हाट, न्यू NWO, न्यू कोऑर्डिनेट NWC, न्यू कोऑर्डिनेट प्लस NWO, C मतलब कोऑर्डिनेट, O मतलब ओरिजिन, यस और नो। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट OL, OLDC, ONGC है लेकिन ठीक है, OLDC, ओके OLDC मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, न्यू कोऑर्डिनेट कितना है भाई, X निकालना है मान लो, है ना, चलो तो X डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है, अब उसको मारो गोली यार, आ जाओ, x इज इक्वल टू स्मॉल लिखे ओल्ड है ना, अपना ओल्ड क्या था, स्मॉल था ना, स्मॉल x इज इक्वल टू, स्मॉल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल x इज इक्वल टू 5 + 3 = 8, यस और नो, स्मॉल y इज इक्वल टू 7 + 4 = 11, अरे सर दोनों प्लस कैसे करें, अरे न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट कितना है 3 और न्यू ओरिजिन क्या है 5, तो 5 + 3 = 8, यस और नो, देन y इज इक्वल टू 7 + 4 = 11, समझ गए होगा आप लोग। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 8,11, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई आ जाओ, फिर आगे चलते हैं, और क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट पी इज, इफ पॉइंट पी इज 3,9 एंड ओरिजिन शिफ्टेड फ्रॉम 0,0 टू -1,2, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, आपको पॉइंट पी का न्यू कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो स्टेटमेंट अभी बोला वही स्टेटमेंट हमेशा जगह लगे, क्या है बोलो जरा, क्या था सर, सर ये स्टेटमेंट बोलता है ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, आगे ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू बोलो न्यू कोऑर्डिनेट यस और नो, प्लस न्यू ओरिजिन, है ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू ओरिजिन प्लस न्यू कोऑर्डिनेट, ओके। आपसे क्या पूछा है सर, हम लोग से पूछा है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल एक्स कॉमा वाई, यस और नो, सॉल्यूशन, लेट्स पी इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉमा वाई, ये क्या है आपके न्यू कोऑर्डिनेट है, चलिए तो रखते जाइए, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है क्या गवर्नमेंट तो सब कुछ देते नहीं, लेकिन ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट हाँ सर दिया है, कितना 3 और 9, यस और नो, 3,9, ओके। तो पहले x की बात करेंगे, तो ओल्ड की जगह x की जगह 3 इज इक्वल्स टू, न्यू कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो कैपिटल x रखेंगे, न्यू ओरिजिन हाँ सर किधर गया, देखो माइनस 1 गया है ना, कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आपका 4 हो जाएगा। चलो y की बात करते हैं, तो y आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है, y हाँ 9 दिया है ना सर, 9 दिया है, चलो तो 9 रखो इज इक्वल्स टू, सर न्यू कोऑर्डिनेट दिया है क्या, न्यू कोऑर्डिनेट दिया है क्या, नहीं ना यार वही तो पूछा है, ओके तो y रखो, ओके, देन
देन न्यू ओरिजन, न्यू ओरिजन दिया क्या? हाँ सर दिया ना, देखो ना टू दिया है, ओके तो टू रखो। तो वाई कितना आ जाएगा सर आपका? वाई इज इक्वल्स टू सेवन, यस सर। तो पी कितना आ गया आपका? दैट इज पी इज इक्वल्स टू, पी इज इक्वल्स टू फोर कॉमा सेवन, पी इज इक्वल्स टू फोर कॉमा सेवन। चलो कॉपी करो उसको, फिर आप लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं, है ना। थोड़ा मैं पानी पी लूँ जरा। चलिए सर आ जाए, आ जाइए। इरेज करते करते बात करते हैं कि भाई बोलो, आने वाला है भाई वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, कौन कौन सेलिब्रेट करने वाला है? करते हो क्या आप लोग सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे? मेरे को तो बोलने नहीं आता, तो मैं सेलिब्रेट क्या खाक करूँगा वैलेंटाइन डे, ये जो है ना भाई, तो मेरे को तो बोलने नहीं आता, तो मैं सेलिब्रेट क्या खाक करूँगा। देखो मैं तो यही बोलूँगा यार कि मतलब ऐसे देखो प्रॉपरली बोल तो बनाना गर्लफ्रेंड ना गलत सही यार, क्या बोलूँ अभी। देखो हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पसंद है तो अगर उसके बारे में सोच सोच के अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती तो मार दो प्रपोज। जैसे मान लो कि बड़ा ऑब्वियस है, कोई लड़की आपको बहुत पसंद है, ठीक है, उसको सोच सोच के पढ़ाई नहीं होती तो मार दो प्रपोज। हो सकता है पढ़ जाए तो आपके साथ पढ़े, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, देखो मान लो अगर आपके गर्लफ्रेंड बन गए, ठीक है, सिमा मैं दोनों जेंडर को बोल रहा हूँ, एक जेंडर को ही ना, मान लो ऐसा भी हो सकता है, हो तो ये भी सकता है कि मान लो आपकी वो गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, इसके बाद आपकी पढ़ाई का सत्यानाश भी तो हो सकता है, हो तो सकता है या सर, है ना। तो रिक्स खुद लो यार, है ना, रिक्स तो है बड़ा वैसे, रिक्स तो है ना। तो क्या करना चाहिए सर? मेरे हिसाब से ना मेडिटेशन करो, मेडिटेशन ऐसे शांत बैठ के ऐसा करते रोज सुबह उठ के वो करो, तो उससे दिमाग शांत रहेगा, है ना, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ना ही करो यार, नहीं तो कुछ हो गया मान लो बाद में फिर पछताओगे। दो साल की बात है, अगर इलेवंथ में हो तो दो साल की बात है, अगर ट्वेल्थ में हो तो एक साल की बात है, रिपीटर हो तो भी बहुत कम समय है, बहुत सारे लोग तो इस अभी जेई देने वाले हैं, है ना। अगर आप रिपीटर हो तो फिर बात ही अलग है। क्या करते हो अभी देखो आपका यार, है ना। चलिए तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेलिब्रेट कर सकते हो यार, कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बोलते हैं? एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फोर एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, फाइंड न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन इफ न्यू ओरिजन, ओरिजन इज न्यू ओरिजन इज वन कॉमा टू, ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन का आपको सार समझाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। देखो आपको एक इक्वेशन दी रहेगी इसमें और आपको रोटेटिंग वाले में भी, दोनों में भी एक आपको इक्वेशन दी रहेगी, बोलेगा आपको न्यू इक्वेशन फाइंड करना है, और आपको एक ओरिजन दिया रहेगा, ओरिजन मतलब ओल्ड ओरिजन दिया रहेगा, सॉरी न्यू ओरिजन आपको दिया रहेगा, फिक्स है इसमें भी और उसमें भी वही होगा, है ना। उसमें कुछ और देगा, इसमें कुछ और देगा, बात करेंगे, लेकिन आपको फिक्स है कि इसमें आपको क्या देगा, न्यू ओरिजन देगा, न्यू ओरिजन देगा, बात इतनी खत्म, ठीक है। तो आपको करना क्या है ये बताओ, किसमें है? कैपिटल एक्स कॉमा वाई में है, कैपिटल एक्स और वाई में है ना। तो आप स्मॉल एक्स और स्मॉल, मतलब आप कैपिटल एक्स वाई निकाल के स्मॉल एक्स वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में इक्वेशन दिखा दो, मतलब क्या है देखो, आप लोग को मालूम है कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू दैट इज ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से आप कैपिटल एक्स निकालो, निकाल दिया, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन। अब यहाँ से आप कैपिटल वाई निकालो, निकाल लिया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आप ना, ये दोनों ही वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, उठा के फेंक दो यहाँ पे, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही करना है ना। क्वेश्चन अगर मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिखूँ टाइम जाएगा इसीलिए नहीं लिख रहा, लेकिन करना यही है। आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, आपको क्या दिया रहेगा, आपको एक ही चीज देगा, क्या, ओरिजन। आपको इसमें पैरेलल में आपको ओरिजन ही देगा, पैरेलल में आपको ओरिजन ही देगा, ये इसमें रखो और निकाल लो, रखो इसमें जरा,
यार अब देखो जगह बहुत है इसलिए नीचे नहीं जा रहे हैं, चल कोई नहीं जा रहे हैं। उधर दूसरा टाइप का क्वेश्चन रखो जरा, इसमें ये हो जाएगा आपका एक्स स्मॉल एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, स्मॉल एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ द वाई माइनस टू, थ्री टाइम्स ऑफ द वाई माइनस टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ द एक्स माइनस वन प्लस सात इजक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर प्लस सेवन इजक्वल टू जीरो। ओके ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू एक्स और फोर एक्स, टू एक्स और फोर एक्स तो कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स, कैसे सर इधर फोर एक्स है ना इधर माइनस टू एक्स, इसलिए थ्री वाई तो प्लस थ्री वाई क्योंकि दूसरा वाई कोई है नहीं, यस और नो, वन सात आठ यस और नो, वन प्लस सेवन एट हुआ, एट माइनस सिक्स, एट माइनस सिक्स कितना होता है प्लस टू, प्लस टू और माइनस फोर दैट इज माइनस टू इक्व टू जीरो। ये आपका आ गया क्या, एक इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ पे बोलेगा जैसे मैंने बोला नहीं है फाइंड द न्यू इक्वेशन इफ द ओरिजिन इज वन, न्यू ओरिजिन इज उसे बोल सकता है यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट, ऐसा बोल सकता है ना, ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोलेगा भी क्वेश्चन में, या फिर आपको स्मॉल में दे देगा फाइंड द इन द न्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालना है, ठीक है ऐसा बोल भी सकता है वो। ओके एक क्वेश्चन ये बनता है, एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म में कर लेते हैं, है ना, दो दो देखते मैं करा ही देता हूँ, एक और देख लो, मान लो समझा नहीं होगा तो क्या, मेरे बाजू में कोई गाना बजा रहा है तो बार बार दिमाग उधर जा रहा है, बहुत गंदे होते हैं लोग ऐसे जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत दुख होता है आप। चलिए ये मान लो एक बार दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फोर एक्स प्लस सेवन इजक्व टू जीरो, ठीक है, ठीक है सर, फाइंड इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट इफ व्हाट इफ न्यू ओरिजन इज कितना लोगे सर, उधर वन कॉमा टू लिया, इधर माइनस वन कॉमा थ्री ले लो, ठीक है ओके। चलिए तो मैंने क्या बोला सर कि अगर कैपिटल एक्स दिया है तो कैपिटल एक्स निकालेंगे और स्मॉल एक्स दिया है तो स्मॉल एक्स, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा दिमाग क्या सोचना चाहिए कि भाई मुझे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है और इसमें रख देना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है और इसमें रख देना है, बात खत्म। चलिए तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे बोलो सर, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख दिया, फिर लिखेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट, यस और नो, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस ओरिजिन, यस और नो, तो बोलो जरा ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना है, वो तो पता नहीं सर, वही तो निकालना है। ओके न्यू कोऑर्डिनेट कितना है सर, देखो ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो न्यू कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया है, तो न्यू कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स सर, न्यू ओरिजिन दिया है क्या माइनस वन दिया, यस और नो, चलो तो आपको स्मॉल एक्स मिल गया, यस और नो। ओके अब बात करते हैं स्मॉल वाई की, तो क्या है भाई ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन, यस और नो, न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन। ओके तो वाई वाई कितना है भाई मेरा, वाई 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 ओके आगे बाई बाई, तो वाई इज इक्वल्स टू न्यू मालूम है नहीं सर, ये मालूम है हाँ सर तीन, तो ये मिल गया। अब क्या करेंगे सर, इसको उठा के इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रख दो, चलिए तो रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस वन, ठीक है द होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ द वाई प्लस थ्री प्लस फोर टाइम्स ऑफ द एक्स माइनस वन प्लस सात दैट इज सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, ओपन करो और क्या करेंगे, चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री वाई प्लस नाइन प्लस फोर एक्स माइनस फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स तो प्लस टू एक्स, यस और नो, वन दस सत्रह और चार तेरह, यस और नो, ठीक है प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ओके। तो ये हो गया अपना इस टाइप का नेक्स्ट और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आ जाएंगे अपना रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओके तो इसको इरेज करते हैं,
चलो हो गया, आ जाइए तो इसको करते हैं इरेज और एक और टाइप क्वेश्चन लेते हैं। देखो ना हर एक टाइप का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दो क्वेश्चन लूँ सर, हर एक टाइप में दो क्वेश्चन जनरली आपको दिखे जाते हैं। आ जाइए सर, चलिए 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 सर, चलिए तो अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं ना, हम लोग के दो टाइप डिस्कस कर लिए, इसका थर्ड टाइप है, ठीक है। तो थर्ड टाइप क्या बोलता है, इफ द इक्वेशन, द इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन बाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन ये इक्वेशन है, इफ यदि ये इक्वेशन है देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट सो दैट न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट डज नॉट कंटेन एक्स टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म। क्या बोलना चाहते हैं समझाते हैं। अजय देखो आपको बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि अंकल को चाहिए, अंकल को नहीं अर्थात मुझे नहीं मतलब अंकल को चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, उनको चाहिए न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन सी कंडीशन में, कुछ तो कंडीशन देंगे तभी ना न्यू कोऑर्डिनेट निकालेंगे भाई, हवा में थोड़ी निकाल देंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो क्या बोल रहा है कि न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए सो दैट जो न्यू इक्वेशन होगी वो न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट होगी, मतलब कैपिटल एक्स वाई होगी, और कैपिटल एक्स वाई में होगी और जो होगी उसमें क्या होगा, डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करेगा वो, एक्स का टर्म कंटेन नहीं करेगा, ओके, एंड कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा, दो चीज़ नहीं होगी इस इक्वेशन में, क्या नहीं होगा, एक्स का टर्म नहीं होगा और कॉन्स्टेंट का टर्म नहीं होगा, दो चीज़ नहीं होगी इक्वेशन में, ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन है जिसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा आपका, एच कॉमा के, क्यों, ओरिजिन क्या होता है आपका, न्यू ओरिजिन क्या होता है, एच कॉमा के, यस और नो। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाता है क्योंकि पहली बार एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा डिटेल नहीं करूंगा, इसलिए सॉल्यूशन। अब अगर आप रिकॉल करो प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने क्या बोला था, ये जो x है ना, x के यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, कौन सी, ये x के यहाँ पे अभी हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते, अभी तक जितना पढ़ा आज के लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ा कि x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, एक ये पढ़ा और पढ़ा स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, ये सॉल्व, मतलब आप बोलना चाहते हो सर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है, बट अब इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा, एक और रीजन देखो, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, एंड न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, और एक्स कॉमा वाई ही, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई ही तो न्यू कोऑर्डिनेट है, कैपिटल एक्स कॉमा वाई कैपिटल वाई ही तो न्यू कोऑर्डिनेट है, और क्या है, ये सॉल्व, बिल्कुल, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, स्मॉल एक्स के यहाँ पे एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई के यहाँ पे कैपिटल वाई प्लस के, रखते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स क्या है आपका, कैपिटल एक्स प्लस एच और सेवन वाई, वाई क्या है आपका, कैपिटल वाई प्लस के, यस और नो, वही रखते जाओ यार, क्या बताए, बच्चों वाला खेल थोड़ी है, मतलब है ना यार, बिल्कुल बच्चों को जूझना जैसा क्वेश्चन तो है ही, रखते जाओ वाई प्लस के, सर आठ को भी कुछ रखना है क्या, कीड़े पड़ेंगे आपको अगर ऐसा जो सोच रहे हैं ना, उसको पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ पहले, आठ को क्या रखेंगे, कुछ नहीं, ठीक है, ओके, मजाक कर रहे थे सर आप लोग, तो मजाक करते हैं जान दो, चलिए ओके, अभी क्या करें, ओपन कर दो और क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एच प्लस सेवन वाई प्लस सेवन के प्लस आठ इज इक्वल्स टू जीरो। आ जाओ फिर से कंडीशन रीड करते हैं, क्या कंडीशन बोलती है, डज नॉट कंटेन एक्स टर्म, तो पहले एक्स टर्म चाहिए, एक्स का जो टर्म होगा वो चाहिए, यस और नो, तो सर एक्स का तो हम लोग को दो दिख रहा है, कौन सा, एक टू एच एक्स और फोर एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ सर, क्यों कॉन्स्टेंट भी तो बोला है ना, तो पहले उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं सर, कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो सिर्फ एट है, वो सिर्फ एट है ना, तो उसको नहीं करना, मतलब एट को जीरो करना है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है, हाँ एट को जीरो करना मतलब क्या है, ये सेंसिबल ही नहीं, फिर तो कॉन्स्टेंट टर्म और क्या क्या है, देखो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आपका है सेवन के, ओके फोर एच, ओके एच स्क्वायर,
सर लेकिन ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है? फिर मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है? अरे भाई ये एच कॉमा के क्या है, ओरिजिन है, हाँ है, फिर ओरिजिन कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या? मतलब अरे ओरिजिन कभी चेंज होता है क्या? आपने अभी तो चेंज किया ना सर, आपने जीरो जीरो से एच कॉमा के ले गया, चेंज हुआ था ओरिजिन, वो तो शिफ्टिंग हुई ना, वो तो टॉपिक है ना, वो तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है, फिर तो एच कॉमा के कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ओरिजिन कभी चेंज नहीं होगा। इस कंडीशन में जो ये पूरी कंडीशन दी है, इस कंडीशन के लिए एच कॉमा के क्या है? ये पूरे क्वेश्चन की जो कंडीशन दी है, इस कंडीशन में एच कॉमा के चेंज होगा क्या? नहीं ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। सिर्फ वेरी क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई, एच कॉमा के तो सेम हो गया, यस और नो? ठीक है, ओके चलिए, तो एच कॉमा के मेरा होगा कांस्टेंट। तो चलो सबको एक साथ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, टू एच प्लस फोर इंटू एक्स, देन सेवन वाई, देन सेवन वाई, फिर क्या बचा आपका एक्स, एच स्क्वायर प्लस फोर एच, एच स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस सेवन के प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये वाई है ना, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ये वाई है। सर आप बोल रहे हो कि एक्स का टर्म नहीं कंटेन करेगा, फिर एक मन में सवाल उठा होगा, सर ये एक्स स्क्वायर तो इक्वेशन में रहेगा, इसका क्या करोगे? मेरे भाई उसने क्या बोला है, डज नॉट कंटेन एक्स टर्म, कैपिटल एक्स लिख लो ना, डज नॉट कंटेन एक्स टर्म, ना कि उसने ये नहीं बोला है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलता तो उसको भी किसी तरह जीरो करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं, उसने क्या बोला एक्स का टर्म। अब मुझे एक्स के टर्म को हटाना है, कैसे हटा सकते हैं? देखो इसको कभी जीरो कर नहीं सकते, एक्स कैसे जीरो हो सकता है? अगर एक्स जीरो हो तो ये भी जीरो हो जाएगा ना, तब तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब मुझे इसके जो कॉन्स्टेंट है, इसका जो कोएफिशिएंट है, उसको जीरो करना पड़ेगा, यस और नो? क्या करूँगा मैं, टू एच प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? एच इज इक्वल टू माइनस फोर डिवाइड बाई टू, एच इज इक्वल टू माइनस टू, यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, इसके कॉन्स्टेंट टर्म को, किसको, इसके कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो कर दो, किसके कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है भाई, ये देखो ना, ये यहाँ से यहाँ था, ये इसका पूरा कॉन्स्टेंट, जीरो कर दो जरा, एच स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस सेवन के प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब कोई उछल के बोलेगा कि सर एच इज इक्वल टू माइनस टू रख सकते हैं क्या, फिर बड़े हंस के बोलेगा वेरी गुड रख सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं, चलो तो रखो, ये हो जाएगा आपका माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ द माइनस टू प्लस सेवन के प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका फोर माइनस एट प्लस सेवन के प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? ये एट और एट कैंसिल आपका है ना, क्योंकि प्लस एट और माइनस एट आपका कैंसिल, तो के कितना आ गया आपका सेवन के इज इक्वल टू माइनस फोर, के इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस चार बटे सात। ओरिजन कितना आ गया आपका सर, आपका जो न्यू ओरिजन होगा, न्यू ओरिजन हो जाएगा आपका माइनस दो कॉमा माइनस चार बटे सात। उसे नॉन इंटीजर आना नहीं चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, कोई नहीं, हो सकता है फ्रैक्शन ही आ जाए, है ना? तो ये हो गया अपना पहला, मतलब ये लास्ट टाइप, किसमें पैरेलल शिफ्टिंग में। एक और सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, फिर क्या आ जाएंगे, रोटेटिंग में, किसमें आ जाएंगे, रोटेटिंग में। चलिए तो एरेस करेगा, आ जाओ जरा, तो इसको कर दिया जाए इरेस, सर या सर दो, चलो सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज। देखो ये ओल्ड के टर्म में भी लिखी जा सकती है, ठीक है, मैंने न्यू के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यू के टर्म में लिखी जा सकती, ओल्ड के टर्म में भी लिखी जा सकती, देखो समझो, आ जाओ इसको अब ओल्ड के टर्म में लिखते हैं, जैसे मतलब ये है कि ऐसे भी लिखी जा सकती है, कैसे, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब सारा ये कैपिटल में लिखा है, यस और नो? तो मैं पूरा डाटा नहीं लिख रहा हूँ, आपको फाइंड करना है न्यू ओरिजन, मतलब आपको एच कॉमा के निकालना है, यस और नो? पूरा नहीं लिख रहा मैं, पूरा अगर कॉपी ही करने का मन है कि उसको, उस वाले क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो। सोल्यूशन, तो क्या है भाई, एक्स स्मॉल एक्स मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजन, यस और नो? तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, कैपिटल एक्स के जहाँ पे, दैट इज एक्स माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यस और नो? चलिए तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, यहाँ से आपको क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए आपका कैपिटल वाई, यस और नो? तो कैपिटल वाई कितना हो जाएगा, इस वाई माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तब ये रख देंगे,
चलो तो फटाफट रख के इसको सॉल्व करके आगे मूव करते हैं। यस और चलिए तो मूव किया जाए, इसको यहाँ पे रखते हैं, आ जाओ जरा इसको यहाँ पे रखना है। चलो तो क्या करेंगे, रखेंगे और क्या करेंगे, वाई कितना है भाई, वाई माइनस के है या सॉरी, तो वाई माइनस के द होल स्क्वायर या सॉरी, वाई माइनस के द होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द वाई माइनस के या सॉरी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ द एक्स कितना है सर, एक्स है आपका एक्स माइनस स्मॉल एक्स माइनस एच प्लस सेवन इजक्स टू जीरो, ठीक है ओके। आ जाओ जरा देखो इसको, y का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस टू वाई माइनस टू के प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एच प्लस सेवन इजक्स टू जीरो, ठीक है फिर से वही सर कंडीशन वही दो है, ठीक है कि मतलब चलो कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, आपका इसमें डज नॉट कंटेन y टर्म्स, y टर्म्स नहीं होगा ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा ठीक है, ये दोनों टर्म नहीं होंगे, क्वेश्चन पूरा ये हो जाएगा ठीक है, दोनों टर्म नहीं होंगे, यस और नो। चलिए तो वाई स्क्वायर यहाँ से मैं वाई बाहर ले लेता हूँ ठीक है, के उधर भेज दूंगा तो वाई बाहर ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा, प्लस वाई ले लिया तो अंदर बच रहा है आपका टू माइनस टू वाई टू के टू माइनस टू के यस और नो ओके ठीक है, प्लस के का स्क्वायर माइनस टू के माइनस थ्री एच प्लस सेवन प्लस थ्री एक्स इजक्स टू जीरो, ठीक है ओके। तो वाई का टर्म नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा टू माइनस टू के इजक्स टू जीरो और के स्क्वायर माइनस टू के प्लस माइनस थ्री एच प्लस सेवन इजक्स टू जीरो, ये दो टर्म नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया आपका के इजक्स टू वन आ गया, चाहो तो आप चेक कर लो ठीक है। अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, वन माइनस टू माइनस थ्री एच प्लस सेवन, तो वन माइनस टू माइनस वन ये हो गया आपका कितना माइनस वन, तो माइनस थ्री एच प्लस सिक्स इजक्स टू जीरो, थ्री एच इजक्स टू सिक्स उधर गया तो h इजक्स टू आपका टू आ गया, तो आपका न्यू ओरिजन क्या आ गया भाई, न्यू ओरिजन ओरिजन दो कॉमा एक दैट इज टू कॉमा वन, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही इजी है सर बहुत ही इजी ओके। लिखो इसको फिर आगे की ओर मूव करते हैं ठीक है। तो इरेज करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ रोटेशन ऑफ ओरिजिन बाय एंगल थीटा, इसका भी प्रूफ देखेंगे लेकिन लेक्चर के लास्ट में। पहली बात तो जो प्रूफ है ना, पहली बात जो प्रूफ है वो इनरेलेवेंट है, दूसरी बात प्रूफ इसलिए नहीं बताएंगे कि रिपीटर पढ़े, इसलिए बता रहे हैं कि प्रूफ जो नए बच्चे हैं उनको प्रूफ जरूरी है, क्योंकि नए नए हैं ना यार ना, तो उनके लिए मेरे हिसाब से प्रूफ जरूरी है, जो पुराने हो आप अभी पत्थर बन चुके हो आपको प्रूफ भी जल्दी ऐसा कुछ नहीं, देख सकते हो आप लोग ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। क्या है भाई आपका रोटेशन ऑफ एक्सेस, आर ओ टी ए टी आई वन रोटेशन ऑफ एक्सेस, इसका मतलब हुआ कि मेरी एक्सेस है ये ठीक है, कुछ देर बाद कुछ आपातकालीन स्थिति हुई, कुछ आपातकालीन स्थिति हुई और मेरा एक्सेस जो है, मेरा जो एक्सेस है ठीक है वो मेरी ऐसे बाय एंगल थीटा रोटेट हो गई ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखा था, अब इस पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है ना, इस पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, अब इस पॉइंट के ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ऐसे लिखेंगे सर। उसके लिए एक ट्रिक बनी बनाई है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है ना, जो मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, तो क्या है ट्रिक देखते हैं। तो हमेशा की तरह पहले भी क्या था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या था आपका, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई इज अ न्यू नहीं ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है, और कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज अ न्यू कोऑर्डिनेट याद रखना है। कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं सर ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है जो पिछली बार देख चुके हैं। तो क्या करें अभी,
एक डब्बा बनाओ। बना लिया सर। ओके, फिर एक लाइन मारो। मार दिया सर। फिर इधर लिखो ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, यस और नो। ओल्ड का एरो इस साइड करो, कर दिया। और नीचे लिखो न्यू, इधर स्लैश मार दो और न्यू लिखो। न्यू के लिए एरो नीचे रखो, कर दिया सर। मतलब ओल्ड एक्स कॉमा वाई इस साइड आएगा, ठीक है। ओके, और न्यू कैपिटल एक्स कॉमा वाई इस साइड आएगा। ठीक है, ओके। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप में से कंप्यूटर साइंस नहीं होगे तो भी, अगर जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, नीट वाली बात छोड़ दो, नीट वाले से मैथ्स देखते भी नहीं ना, ये सर, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उन सब में से 99% ले लो, सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। 80% लोगों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, जो IIT जाना चाहता है वो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए उन सबको, ये सर, ये चाहते हो आप लोग ना। तो आप सबकी चाहत क्या है कंप्यूटर साइंस, आपकी चाहत क्या है कंप्यूटर साइंस? चलो तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस क्या लिखता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर, SCIENCE, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर मतलब होता है cos थीटा और साइंस मतलब होता है sin थीटा। ये कब से होने लगा सर, ये कब हुआ मुझे मालूम क्यों नहीं पड़ा, ये मैंने बनाया इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं। तो सर ये जो cos थीटा है, तो पहले आएगा आपका cos थीटा, इस ट्रिक से याद रखना है। कंप्यूटर साइंस सबकी पहली पसंद क्या है, कंप्यूटर साइंस, इसलिए ऊपर क्या लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मतलब साइन, ठीक है। अब इसके उल्टा एक सबसे मालूम नीचे वाली ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच है क्या, साइंस कंप्यूटर, साइंस SCIENCE, साइंस कंप्यूटर, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली ब्रांच है, सबसे घटिया ब्रांच है, उसे है ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है। साइंस कंप्यूटर मान लो कोई ब्रांच है, सबसे घटिया, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, लगाएंगे माइनस साइन थीटा और कॉस्ट, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए इसलिए, ठीक है। तो ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। चलो मान लो याद हो भी गया, याद हो भी गया, सो वॉट, सो वॉट। अब मैं इसमें से ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट दोनों लिख सकता हूँ, कैसे बताते यार, कहे मतलब इतना सब्र का बात क्यों टूट रहा है। देखो चलो मान लो मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखता हूँ, स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, आप ऊपर से ऐसे झाँको, ऊपर खड़े हो जाओ और झाँको ऐसे, एक्स इंटू कॉस थीटा, कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा। स्मॉल एक्स के पास खड़े हो जाओ, कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा। ओके, अब बात करते हैं स्मॉल वाई की। चलो स्मॉल वाई सिमिलरली बोलो, स्मॉल वाई बोलो, स्मॉल वाई हो जाएगा वाई एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस साइन थीटा, एक्स इंटू साइन थीटा वाई इंटू कॉस थीटा, वाई इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट। ये दोनों क्या है भाई, ओल्ड है ना, अरे भाई स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई इज ओल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, बात करते हैं न्यू की, बात करते हैं नए की, चलिए दैट इज कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई की, कैपिटल एक्स कॉमा वाई की, कैपिटल एक्स ऐसे झाँको, यहाँ पे खड़े हो जाओ सीधा झाँको, यहाँ पे खड़े हो जाओ सीधा झाँको, एक्स इंटू कॉस थीटा और वाई इंटू साइन थीटा, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा, वाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब वाई में खड़े हो जाओ ऐसे झाँको, वाई में खड़े होकर ऐसे झाँको, दीज इंटू दीज, ओके, वाई में खड़े हो जाओ फिर ऐसे झाँको, वाई इंटू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस स्मॉल वाई कॉस थीटा, है ना। और अदर कोई ट्रिक नहीं है, एक तो ऐसा याद कर सकते, देखो सिविल सर्विस UPSC के जो मतलब जो एग्जाम देते हैं उसको सिविल सर्विस बोलते हैं, जनरली जनरली क्या UPSC वाली जो एग्जाम होते हैं उसको सिविल सर्विस बोलते हैं, मतलब लोग सिविल मतलब लोग, सर्विस मतलब सेवा, तो लोगों की सेवा करने वाली जो सर्विस है उसको सिविल सर्विस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी होगा ना कि IIT जाने के बाद सिविल सर्विस की प्रिपेयर करेंगे, है ना, ठीक है, तो वही इसका होता है, ठीक है, ये होती है आपकी सिविल सर्विस, ऐसे याद कर सकते हो सर्विस सिविल, ठीक है, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको टेबल बनाओ अच्छे से, है ना, चाहो तो ट्रिक भी लिख लो, और अगर कोई दूसरे ट्रिक से याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो फिर जो है तो उसी से एडजस्ट मारो, यार क्या बोल सकते, ठीक है।
ट्राई करो यार कि याद हो जाए, ठीक है, ट्राई करो कि याद हो जाए। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मेन क्या है कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें जनरली जितने टाइप के उसमें बनते हैं सेम इतने टाइप की यहाँ भी बन जाएगा, तो उसका टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी बनेगा, बहुत ही ईजी बनेगा, तो डरो मत। चलिए तो इसको लिखो, आगे चलते हैं। आ जाइए सर, तो इसको इरेज करते हैं फटाफट से। इसका प्रूफ बताएंगे सर, डोंट वरी, प्रूफ मैं हर एक चीज का बताऊंगा और इसका भी प्रूफ बताऊंगा सर, लेकिन लेक्चर के जाते समय, है ना। प्रूफ ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अटपटा प्रूफ है, फालतू फालतू प्रूफ है ना, ऐसे कोई नीड नहीं है, लेकिन हाँ बताना मेरा फर्ज है जो मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है ना। प्रूफ मैं आपको बता के जाऊंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, इफ न्यू कोऑर्डिनेट इज 10, 20 एंड एक्सेस इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, फाइंड न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन ये चलो करो उसको, जब तक मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ ओल्ड कोऑर्डिनेट इज 15, 20 एंड एक्सेस इज रोटेटेड बाय एन एंगल 53 डिग्री, कितना 50 डिग्री, देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट। ये दो क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे और आगे मूव करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उल्टा है, एक एक में ओल्ड दिया है तो न्यू पूछा, एक न्यू दिया है तो ओल्ड पूछा, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखते हैं इसका सलूशन। पहले तो आपसे पूछा क्या सर, हम लोग से पूछा है ओल्ड कोऑर्डिनेट, यस और नो, क्योंकि न्यू दिया है और हम लोग से ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछा है, पूरा लिख दो इसको जरा, ओल्ड कोऑर्डिनेट, नहीं यस और नो, ओल्ड मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यस और नो, तो स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स इज कॉस्ट। अब कैसे देखो, वो डब्बा जो मैंने आपको टेबल बनवाया था वो टेबल याद बना, तो अभी तो याद आपको नहीं होगा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं आपको टेबल याद करवाता हूँ कैसे, एक बात तो ट्रिक हो गई। दूसरा ये देखो, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो इधर आपका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा था, टेबल अभी कोई नहीं खोलेगा, टेबल अभी मेरे साथ कोई नहीं खोलेगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, टेबल कोई नहीं खोलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ टेबल कोई भी नहीं खोलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा था या सर नो लिखा था, ठीक है, ओके। अब बताओ मेरी ट्रिक क्या थी, कंप्यूटर साइंस, यस और नो, सी एस दैट इज कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे क्या था सी एस, और यहाँ पे क्या था माइनस एस सी, यस और नो, माइनस एस सी, यही था ना। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा था, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखा था, तो कैसे लिखते थे, स्मॉल एक्स नीचे पानी जैसा झर रहा है, पानी झर रहा है, यस और नो, पानी गिर रहा है, एक्स तो जब ये गिरा तो इसको इसको इन दोनों को लेके निपटा, है ना, जैसे मान लो गिरा तो इसको लेके निपटा और इसको भी लेके निपटा, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, तो डायरेक्ट एक बार निकाल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू तो कैपिटल एक्स क्या चाहिए मुझे, न्यू कोऑर्डिनेट, ओके सॉरी यार मैंने ओल्ड लिख दिया, ओके इफ न्यू कोऑर्डिनेट, ओके सही, ठीक है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू न्यू कितना दिया भाई, न्यू आपको 10 दिया, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई, 37 डिग्री है, कॉस 37 कितना होता है, जिसको याद नहीं है सर तो बहुत गलत है, कॉस 37 होता है 4/5, ठीक है, कॉस 37 होता है 4/5 माइनस वाई कितना है भाई, 20 इंटू साइन 37 होता है 3/5, ठीक है, नहीं आते तो याद कर लो यार भी, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4/5 माइनस 20 इंटू 3/5, एक्स इज इक्वल्स टू 5 दूना 10 8
एक्स इक्वल टू पांच, फाइव टू जा टेन, टेन फाइव टू जा टेन, टू टू जा फोर जा एट, माइनस फाइव फोर जा और ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस फोर, यस और नो, ये तो एक्स आया है ना, अभी नहीं हुआ सिंप्लीफाई सर, ये लेंदी है ना, लेंदी है इसलिए थोड़ा दिखने में भी टफ है। चलो तो अब निकालेंगे वाई, चलो तो वाई की बात करते हैं, सिमिलरली मैं वाई लिखूंगा है ना, अब आपको मालूम वाई इस साइड होगा, वाई इस साइड होगा तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सी एस था ऊपर, सी एस था और नीचे क्या था, एस और एस था, एस और सी था, तो यस और नो क्या आ जाएगा बोलो। चलो देखो तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू, स्मॉल वाई इज इक्वल टू, ओके सर, तो यहाँ पे आपका एस, यस और नो, तो क्या लिखे बोलो, x कैपिटल x इंटू एस साइन थीटा, यस और नो, प्लस प्लस कैपिटल y इंटू कॉस थीटा, यस और नो, चलिए तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल x कितना है 10 है, साइन 37 प्लस कैपिटल y कितना है 20 इंटू कॉस 37, ठीक है ओके। चलिए यहां से आपका y आ गया, y इक्वल टू 10 इंटू साइन 37 कितना होता है भाई बोलो 3 बाय 5 प्लस 20 इंटू 4 बाय 5, तो y स्मॉल y इक्वल टू 5 टू जा 6, यस और नो, 5 4 जा 16, तो स्मॉल y इक्वल टू आपका आ गया 22, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा था, व्हाट इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, old is equal to gold that is minus 4 comma 22, yes or no, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, क्वेश्चन सर टफ तो नहीं है लेकिन लेंदी है, हाँ लेंदी तो है देखो, क्योंकि वो लिखो फिर एंगल लिखो फिर सॉल्व करो है ना, तो लेंदी तो है, आप चाहो तो अपना रिड्यूस कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो है ना, डायरेक्ट आप ये स्टेप रिड्यूस करके आ सकते हो, या फिर आप ये भी नहीं लिखो डायरेक्ट ये लिखो, लेकिन उसके लिए याद होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ही याद होना चाहिए, ठीक है, फिर वो ट्रिक से भी याद नहीं, प्रॉपर याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, प्रूफ भी करा दूंगा, आई थिंक प्रूफ से थोड़ा और याद हो जाएगा, इसलिए पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि प्रूफ कराऊँ तो एक बार याद होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, और मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है, ठीक है। चलिए कि मैं प्रूफ फालतू में आपको कराना चाहता हूँ, प्रूफ इसलिए कराएंगे ताकि याद हो जाए फॉर्मूला और क्या। चलिए इफ ओल्ड कॉर्डिनेट इज 15, 20, ओल्ड कॉर्डिनेट आपको दिया 15, 20, देन एक्स इज रोटेटेड बाय एंगल 53 डिग्री, देन फाइंड द न्यू कॉर्डिनेट, मतलब आपको क्या निकालना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये सर नो। चलिए तो सोल्यूशन, एक बार कैपिटल एक्स लिखेंगे, फिर से बनाओ टेबल सर, जरा दिखाओ, ये 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 और ये, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या लिखा था बोलो, सी एस लिखा था ना, यस और नो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यहाँ पे सी, यहाँ पे एस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे सी, यस और नो, यस और नो, तो आपको क्या लिखना है ये बार कैपिटल एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे ऐसे, तो स्मॉल एक्स इंटू कॉस थीटा, स्मॉल एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस बोलो स्मॉल वाई इंटू साइन थीटा, हाँ तो इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस ले रही, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बोलो जरा स्मॉल एक्स बोलो सर, 15 है क्या, बिल्कुल सही, चलो 15 इंटू कॉस 53 प्लस 20 इंटू साइन 53, ये सॉर्ट नो, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू कॉस 53 कितना होता है सर, 3 बाय 5, ठीक है, कॉस 53 होता है 3 बाय 5 प्लस 20 इंटू 4 बाय 5, ठीक है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 3 जा 15 9 5 4 जा 16, ये हो जाएगा 16 9 25, यस और नो, 16 9 25, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल वाई की, बात करते हैं किसकी, कैपिटल वाई की, यस और नो। चलिए फिर से देखो जरा ध्यान दो टेबल को, फिर से जितनी बार बनाओगे उतनी बार टेबल याद होगी सर, है ना, तो छोटी से ऐसे बना दो, तो यहाँ पे क्या स्मॉल एक्स, यस और नो, स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यस और नो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या सी एस और माइनस एस और सी, यस और नो, ऐसे छोटी बना देना एग्जाम में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो बना सकते हो ना, सी एस और माइनस एस, और एस मतलब साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, यस और नो, आपको क्या चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए, यस और नो, कैपिटल वाई चाहिए, तो ऐसे जाएंगे, यस और नो, ऐसे ऐसे ना, आपको क्या चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए, तो ऐसे जाएंगे ना सर, ऐसे यार हो जाएगा बोलो, चलो माइनस एक्स इंटू साइन थीटा, ऐसे जा रहे हैं ना सर, तो ये इंटू ये प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा, सर बिल्कुल एनर्जी लो हो चुकी है, थोड़ा पानी पीने पड़ेगा है ना, चलिए ठीक है सर, आप पानी पियो, आपको जो पीना हो पियो, मेरे को क्या, मैं आपको है यार है ना, ऐसा मत बोलो, चलो ठीक है आ जाओ, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स कितना है सर 15 माइनस 15,
साइन 53 यस ऑन, देखो ना 53 एंगल दिया है ना, 53 प्लस वाई कितना है 20 इंटू कॉस 53 कॉस 53 यस और नो, यस और नो, ठीक है ना। चलिए कैपिटल वाई कितना हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 4 बटे 5 प्लस 20 इंटू 3 बटे 5, 5 3 जा 3 चौक 12 दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 4 जा इसका जीरो आ रहा है, कोई नहीं 5 4 जा और 12 5 4 जा और 4 3 12 4 3 12 ठीक है, उसे जीरो आना नहीं चाहिए, ठीक कोई नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा मैंने नंबर ही लिया जिससे जीरो आ जाए, ठीक है। तो आपका न्यू ओरिजिन क्या हो रहा है सर, न्यू ओरिजिन हो रहा है आपका, मतलब सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट आपका हो रहा है जीरो का 25.0, ठीक है 25.0 25.0 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, यस और नो आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ओके कोई नहीं सर आ सकता, यस और नो, अगर 53 से आप रोटेट करोगे तो हो सकता है ऐसा आ जाए, ठीक है ओके। तो इसको लिखो, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्चुअली आँख में कुछ चला गया था यार इसलिए, चलो तो इसको मिटाए क्या, लिख लो पहले, लिख लो यार लिख लो, ये लो स्क्रीनशॉट तो लेना है यार आपको, यस और नो ले लिया। चलो ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट जो पूछा वही निकालना है, अब जो पूछेगा नहीं वो निकालना है, मतलब क्या मतलब यार आपको एक क्वेश्चन देगा उसको बोलेगा दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करो, जैसे उसमें किए थे ना वही, जो उसमें किए थे वही यहाँ पे करना है और कुछ नहीं, तो डरना नहीं है, डरने का नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं डरने का, क्षमता क्या डरने का नहीं, फिर क्या करने का सर, फिर सॉल्व करने का क्वेश्चन, चलो तो ठीक है भाई सॉल्व करते हैं, आ जाओ जब सॉल्व करते हैं तो चलो लिखे क्या क्वेश्चन, चलो बहुत सिंपल बोल रहा है सर, मैंने क्या बोला कि मान लो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है सब स्मॉल है, ठीक है सब स्मॉल है, सब स्मॉल है, फाइंड न्यू इक्वेशन, फाइंड न्यू इक्वेशन, ओके फाइंड न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, इन इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट if, if what, if origin, origin is rotated by an angle, angularly angle theta is equal to 45 degree, ठीक है ओके। वैसे आपको ये लिखेगा नहीं, जनरली find the equation in terms of new coordinate, वो नहीं लिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे terms लिखे है, in terms लिखे, ठीक है in terms of new coordinate, वो लिखेगा नहीं, बोलेगा find the equation, फाइंड द इक्वेशन इफ ओरिजन इज, मतलब एक्सेस इज रोटेटेड बाय ओरिजन इज, एक्सेस लिख लो यहाँ पे ज्यादा जम रहा है, इफ एक्सेस इज रोटेटेड बाय एंगल 45, सिर्फ इतना लिख देगा। क्या करना है आपको, ध्यान से देखो इक्वेशन किस में दी है, इक्वेशन दी है स्मॉल एक्स में और स्मॉल वाई में, क्या फाइंड करना है आपको, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, भाई अगर स्मॉल एक्स स्मॉल दिया है तो वही फाइंड करोगे, और फाइंड करके रखना है, मतलब स्मॉल फाइंड करना है ना, हाँ स्मॉल फाइंड करना है। चलिए तो कैसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, ठीक है प्लस वाई, एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस वाई साइन थीटा, माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है ओके। और कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है ओके 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 ठीक है। चलिए सर तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा सर, बोलो स्मॉल एक्स इज कॉस्ट, अगर थीटा में 45 रखूँ तो एक्स बाय रूट टू माइनस वाई बाय रूट टू, सिमिलरली स्मॉल वाई इज कॉस्ट टू एक्स बाय रूट टू प्लस वाई बाय रूट टू। अभी इसको लेके गाँव जाओ क्या, नहीं सर ये एक्स और वाई जो आपको अंकल ने दिया है अर्थात क्वेश्चन से जो डाटा से मिला है उसको वहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो और क्या करोगे, यस और नो, और फिर क्या करेंगे जिंगा लाला हु जिंगा लाला हु खेलेंगे। चलो तो इसको यहाँ पे रख दो, x माइनस वाई डिवाइड बाय रूट टू, समझदार तो समझ गए होंगे सर कि बेस सेम है तो इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है नहीं बिना समझदार मैंने बोल भी दिया तो वो भी समझ गए होंगे, मतलब हर कोई समझ गया होगा ये y है ना कैपिटल y। चलो
देन ये स्मॉल x रखा चलो प्लस टू टाइम्स ऑफ द फिर से स्मॉल x दैट इज x माइनस y डिवाइड बाय रूट टू जिंगा लल्ला हु हु इसे में था ना वो आदिवासी वाला चलिए थ्री टाइम्स ऑफ y y कितना है भाई x प्लस y डिवाइड बाय रूट टू प्लस फोर इक्वल टू जीरो ठीक है ओके सर ओके ओके चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए कर लो यार सिंप्लीफाई कर लो और क्या कर लो है ना ये हो जाएगा आपका वन बाय टू वन बाय टू अंदर अगर आपको अच्छा लगता हो तो ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ द एक्स इंटू वाई ओके ये लिखा है आपका रूट टू टाइम्स ऑफ द एक्स माइनस वाई और ये लिखा है आपका थ्री बाय रूट टू टाइम्स ऑफ द एक्स प्लस वाई प्लस फोर इजिक्वल टू जीरो इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं कि मैंने ऐसा नंबर ही दिया है जो कटेगा नहीं जानबूझ के क्या नहीं यार जो मैं वो नंबर दे देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मुझे आता है ना नंबर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है ना चलो लिखो चलिए इसको इरेज करते हैं ठीक है आइए इसको कर दिया जाए इरेज और एक और सेम क्वेश्चन लिया जाए लेकिन ये बार कैपिटल एक्स और वाई में ठीक है कैपिटल एक्स और वाई में जिसमें इक्वेशन दी है वही वैल्यू निकालना है बस जिसमें इक्वेशन दी है वही वैल्यू निकालना है बात इधर ही खत्म जिसमें इक्वेशन दी है वही वैल्यू निकालनी है ठीक है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो इफ एक्सेस इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बस तो बड़ा अभी सही बार क्या निकालना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है सॉल्व में बड़ा अभी सही बार क्या निकालना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चलिए तो निकालते हैं और क्या आ जाओ तो देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू अगर आपको याद ना हो या फिर तो देखो एक बार फिर से देख लो आ जाओ ऐसे गोली बनाना है यहाँ पे क्या लिखना है भाई आपका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई या सॉल्व सी एस माइनस एस और सी कैपिटल चाहिए या सॉल्व कैपिटल चाहिए चलिए क्या हो जाएगा आपका x इंटू कॉस थीटा प्लस x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा ये सॉरी नो फिर आपको क्या चाहिए कैपिटल y चाहिए तो माइनस x इंटू कॉस माइनस x इंटू साइन थीटा प्लस y इंटू कॉस थीटा ठीक है इसको मिटा दो ना आप ऐसा छोटा छोटा बना लोगे तो बहुत चल जाएगा ठीक है जितने आप खुद से छोटा छोटा दो चार बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा आपको ठीक है आप क्या करें कुछ नहीं वैल्यू रखो और क्या करोगे सर जो आपको थीटा मिला है वो रखो और एंजॉय करो तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाय रूट टू प्लस वाई बाय रूट टू ओके कैपिटल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई बाय रूट टू माइनस एक्स बाय रूट टू अब ये एक्स और वाई जो वैल्यू निकली है उसको लेके गाँव जाओ अर्थात यहाँ जाओ आपका गाँव ये है ठीक है ये रखो ये हो गया आपका एक्स बाय रूट टू प्लस y by root 2 the whole square plus y कितना है आपका y by root 2 minus x by root 2 the whole square plus 2x 2x कितना है भाई x by root 2 plus y by root 2 plus 3 times of the x y by root 2 minus x by root 2 y by root 2 minus x by root 2 plus 7 equals to 0 ये आपकी equation आ गई ठीक है कुछ करना है क्या कुछ नहीं सर नो नीड टू सिंप्लीफाई ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछता भी नहीं चाहिए वाला है ना बोर्ड में जरूर आ जाते हैं तो मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपका बोर्ड अगर क्लियर नहीं होता तो फिर गलती मेरी है ना मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन ऐसा होगा ही नहीं मेरे कराने के बाद बोर्ड एनसीईआरटी साथ में सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक का सोल्यूशन चाहिए पैरेलली जो चैप्टर कराऊंगा उसी के साथ ही कराऊंगा तो आप मुझे एक बार से मैसेज कर दो सर वो चैप्टर भी मुझे चाहिए ठीक है
उसको भी आप मतलब ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए लिख लो इसको, अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना, इसका प्रूफ देखते हैं। लिख लो इसको, ये लो, हो गया, आ जा। अब इसका प्रूफ देखते हैं भाई कि एक्चुअल में आ कैसे रहे, ठीक है, आया कैसे। और जो भी इसका एक हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एक दो क्वेश्चन और ले लें, हो सकता है, ऐसा लेने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इजी प्रूफ है सर, तो बहुत ही इजी प्रूफ है, जैसे उसका था वैसे इसका ये, ठीक है, आ जा। प्रूफ ऑफ आर ओ टी ए टी आई, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, ओके। ऐसे ऐसे और ऐसे ही है ना सर, ओके, ठीक है, सब कुछ वही, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है आपका, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो है आपका वो क्या है भाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, सब कुछ वही बातें हैं, कुछ चेंज नहीं हुई, ओके। ये मान लो आपका यहाँ पे पी रखा हुआ है, ओके, ये कुछ ऐसे होगा, ये सॉ नहीं इसके रिस्पेक्ट में, और ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, यस और नो, ठीक है। अब दो चार जगह नाम कर देते हैं ताकि मजा आ जाए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कैसे, ये ऐसे, ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा है ना, जेड बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये थीटा तो ये थीटा, जब ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, आप निकाल सकते हो, सोच एक बार देख लें, निकाल लोगे आप, ठीक है, ओके। चलिए इसको ओ नाम देते हैं, बट ओरिजिन देना पड़ेगा, इसको नाम दे दो ई दे दो, इसको आई दे दो, और क्या दे दे सर, ये 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये और इसको नाम दे दो आप ए आई, पी दिया ना भाई, इसलिए बोल रहे पी नाम दो, क्यू दे दो, इसको आर दे दो, और इसको एस दे दो, ठीक, दे दिया, फिर देन व्हाट, बताते हैं ना, बताते हैं, चलिए। अब मेरा सवाल है कि P तो मैं X कॉमा वाई लेता हूँ, ठीक है, ले लिया, फिर क्या नेक्स्ट सवाल है मेरा, X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या OE, स्मॉल x इज इक्वल टू OE, हाँ लिख सकते हो सर, बट ऑब्वियसली लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि मैं स्मॉल x इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू, मैं इसको OI माइनस OI माइनस आई ई लिख सकता हूँ कि नहीं, जो ओ आई है उसको मैं ये माइनस ये लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकते, ठीक है, अगर यहाँ तक एग्री हो तो अब और थोड़ा एग्री हो जाना जरा, क्या कि मैं ओ आई को ओ आई को ओ आई को अगर मैं देखो जरा, अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ये जो होगा आपका ये 90 डिग्री है, यस और नो, बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, ओके। तो ये जो है आपका ये वाला, ये आपका कैपिटल एक्स होगा कि नहीं होगा, ये जो है आपका कैपिटल एक्स होगा कि नहीं होगा, कैपिटल एक्स कैसे होगा सर, कैपिटल एक्स मतलब न्यू कोऑर्डिनेट, यस और नो, हाँ कैपिटल एक्स कैसे होगा सर, समझो जरा, सोचो आप, ये बताओ अगर मान लो, चलो थोड़ा समझो जरा, अगर ये पी एक्स कॉमा वाई है, यस और नो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यही तो आपका एक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है, हाँ ठीक है, तो बट ऑब्वियस सर कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स होगी कि नहीं होगी, कैपिटल एक्स होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट से इस पर, ये तो मतलब ये छोड़ दो ना, ये उतना ऊपर गया उसको भूल जाओ, छोड़ दो, ऐसा कुछ है नहीं, मान लो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ओके। तो जब इसमें परपेंडिकुलर में डाला हूँ, इसमें परपेंडिकुलर डालो, देखो ना यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर गया है, बट ऑब्वियस ऐसा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा लेकिन गया है, लग नहीं रहा लेकिन गया है, ठीक, ओके। तो अगर इसमें परपेंडिकुलर है और ये एक्स है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ आई ओ आई ओ ओ आई ओ आई ओ आई ओ आई इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा इतना हो जाएगा, इसका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा कैसे सर, अरे देखो इसका एंगल लोगे वो छोड़ दो, ये कितनी हाइट है,
ये नहीं मालूम, ओके ये मालूम है, ये थीटा है तो लगा लो ना वो क्या बोलते हैं उसको ट्रायंगल लगा लो, क्योंकि 90 डिग्री होगा है ना, स्ट्रेट दिख रहा है 90 डिग्री तो लगा लो, और ये हाइट निकाल लो किसी तरह से, सॉरी ये निकाल लो, ओआई निकाल लो आप, ऐसे निकलेगा लेकिन कॉस थीटा निकाल लो, चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो तो निकल जाएगी ना, हाँ बिल्कुल निकाल लो, ऐसा निकाल लो, नहीं संतुष्टि हो रहा तो ओके चलो ओआई मिल गया, ठीक है सर चलो ओआई में हम लोग थोड़ा गिर गए। अब बात करते ईआई, ईआई सर ईआई को मैं, ईआई को मैं एसआर लिख सकता हूँ, सर के नहीं एसआर, शाहरुख खान नहीं बोल रहा हूँ, एसआर के शाहरुख खान नहीं बोल रहा हूँ, एसआर बोल रहा हूँ, चलिए एसआर हाँ लिख सकता हूँ, ओके। अब बताओ एसआर को, एसआर को मैं, एसआर को मैं अगर इसको मैं कैपिटल वाई बोलूँ, क्योंकि वाई होगा बट वैसे पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे देखो ना ये पी पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई होगी, तो ये मेरा कैपिटल वाई हो जाएगा है ना, क्यों कैपिटल वाई होगा सर, अरे अब इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में कैपिटल वाई हो जाएगा ना, मैंने बोला सर कि बहुत ज़्यादा फालतू है ये, जिसको नहीं समझ में रहा छोड़ दो, चाहो तो इसके बाद स्किप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो परसेंट इंपॉर्टेंट तो है। एस आर इज इक्वल टू इसका एसआर इज इक्वल टू, अब देखो एसआर मुझे निकालना है, एस और नो एसआर को अगर मैं, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, थीटा है 90 डिग्री, चलो मैं फटाफट लगा देता हूँ क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो बोलो तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए अपोजिट, यस और नो, तो साइन थीटा, यस और नो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट दैट इज एसआर, एसआर अपोजिट एसआर डिवाइड बाय वाई, यस और नो, तो यहां से एसआर कितना जाएगा आपका, SR इज इक्वल टू वाई इंटू साइन थीटा, SR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बोलो, Y इंटू साइन थीटा, SR की जगह पे Y इंटू साइन थीटा, ठीक है अभी जो निकला यहाँ पे रख दो जरा, जो निकला उसको यहाँ पे रख दो, तो देखो जरा इसको मिटा देते, ठीक है ऐसे समझाने के लिए था, देखो मैंने बोला प्रूफ काफ़ी फालतू है, प्रूफ काफ़ी फालतू है, कोई नहीं बताता सर क्लासेस में, मैं भी नहीं बताता, जब मैं जेई वालों को पढ़ा तो क्लासेस में मैं भी नहीं बताता, लेकिन हाँ यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखते हैं, वैरायटी ऑफ लोग देखते हैं जिनका आई क्यू लेवल हो सकता है कि मुझसे अच्छा हो, ऐसे लड़के भी देखते हैं, तो उनके लिए तो बताना मेरा कम, मेरा एक फर्ज बनता है ना सर, इसलिए बता रहे हैं यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखते हैं, बताने का रीज़न यही है, लेकिन कोचिंग में मैं भी नहीं बताता, बोल देता हूँ फालतू है मत पढ़ो, ठीक है जो मेरे जैसे बच्चे होते, जो मेरे जैसे बिलो एवरेज जैसे मैं था वैसे होते, तो लेकिन हाँ जो बहुत अच्छे होते तो उनके लिए तो कंपलसरी है भाई पढ़ना चाहिए। आ जाओ तो अब ये जो वैल्यू निकली है सब वैल्यू मैं रखूँगा कहाँ, यहाँ पे दैट इज एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ओ आई माइनस ई आई, तो एक्स इज इक्वल टू ओ आई क्या है भाई, ओ आई एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, और ई आई क्या है, ई आई सर ई आई है एस आर, एस आर मतलब एक्स साइन थीटा, सॉरी एक्स नहीं वाई ना, वाई साइन थीटा कैपिटल है ना, कैपिटल वाई साइन थीटा कैप, यस और नो, यही निकला था आप जाके चेक कर सकते हो, ये सर ठीक है सर, ये तो निकला x, अब बताओ स्मॉल y कैसे निकालोगे, स्मॉल y चलिए ये तो हो गया x की बात, अब स्मॉल y लिखते हैं, स्मॉल y भी सिमिलर लिखना है, आ जाइए जरा स्मॉल y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्मॉल y आ जाओ जरा, देखो जरा स्मॉल y, अब बताओ पॉइंट पे यहाँ पे है, हाँ स्मॉल वाई ये टोटल हाइट होगी, क्योंकि पॉइंट पी तो चेंज, पॉइंट पी अपनी पोजीशन मूव कर ही नहीं रहा है, पॉइंट पी अपनी पोजीशन मूव कर ही नहीं रहा है, तो पॉइंट पी स्मॉल एक्स कमा वाई है, तो मतलब टोटल आपका जो हाइट होगा दैट इज पी, पी और ई, पी और ई, तो स्मॉल वाई आपका पी ई हो जाएगा, यस और नो, स्मॉल वाई जो होगा आपका पी ई हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा ठीक। अब बताओ, अब बताओ आप पी ई को मैं पी एस प्लस, पी एस प्लस एस ई, पी एस प्लस एस ई लिख सकता हूँ कि नहीं, पी एस प्लस एस ई, ओके चलो लिख देते हैं दैट इज पी एस, पी एस प्लस एस ई, ओके सर एस ई की बात तो करते हैं, एस ई की बात करते हैं, लेकिन एस ई से पहले बात करते हैं किसकी, चलो एस ई की पहले बात कर लेते हैं, एस ई जो होगा एस आर की इक्वल होगा कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ एस ई इज इक्वल टू एस आर, सॉरी आर आई ठीक है वो शाहरुख खान दिमाग में छा गया, चलिए एस ई इज इक्वल टू आर आई, ठीक है सर आर आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये थीटा है, हाँ ये थीटा है ओके, और ये एक्स है तो ये नहीं निकल सकता, तो अगर आप देखना चाहते हो डायरेक्ट हो जाएगा आपका एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, चलो ठीक है सर एस ई मिल गया। अब बात करो पी एस की, सर पी एस जो है पी एस, पी एस,
पीएस हो जाएगा आपका, अगर आप थोड़ा ध्यान दो सर, पीएस आपका हो जाएगा वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा, ठीक है, वाई कॉस थीटा, चलिए वाई कॉस थीटा कैसे आया देखो, जिसको मान लो मुझे नहीं समझता था ऐसे, यार ये उसको उठाओ, ये ट्रायंगल उठाओ, ये ट्रायंगल जो है चलो बाहर उठा लिया, ये लो उठा लो इसको, ये थीटा है आपका, ये वाई है आपका, कैपिटल वाई है आपका, ठीक है, ये थीटा है, ये कैपिटल वाई है, ओके, मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे ये चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दो, ये आपका हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट दैट इज पीएस अपॉन हाइपो वाई, तो यहाँ से आपका पीएस कितना आ जाएगा, वाई इंटू कॉस थीटा, मैंने वही लिखा है, यस और नो, सिंपली यहाँ भी ट्रायंगल लगा लो, ये ट्रायंगल निकाल लो और आर आई निकाल लो, ठीक है, थोड़ा अटपटा है सर मैं जानता हूँ, बहुत घटिया है ये, बहुत घटिया है, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं पड़ रहा, लेकिन नहीं पड़ा एक बार और रिवाइंड करके देख लो समझ जाएगा, एक बार रिवाइंड करके और देख लो समझ जाएगा, ठीक है, पी एस निकल गया और एस सी निकल गया, अब क्या करेंगे रख दो यहाँ पे, स्मॉल वाई इज इक्वल टू पी एस कितना है भाई, पी एस ये रहा वाई कॉस थीटा प्लस एस सी कितना है, एस सी एक्स साइन थीटा, ये लो आपका निकल गया, ठीक है, कुछ टफ है क्या, नहीं सर ये तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकला, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैसे निकालोगे, देखो बताते, इन दोनों हेल्प से निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंस भी निकाल सकते हो, इंडिपेंडेंट भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर से ये सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा, बहुत मगजमारी हो जाएगी, वो नहीं बता रहे, ठीक है, वो नहीं कर रहा, इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो कैसे, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और ये वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, ठीक है सर, तो देखो आप एक काम करो, इसको एक बार x को, इसको जो है लो करके दिखाई देते हैं, इसको मैं एक बार साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको जब मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा इस वाली इक्वेशन को साइन थीटा से, इस वाली इक्वेशन को साइन थीटा से क्या हो जाएगा, x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यस और नो, ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, बिल्कुल वो तो यही जाएगा, होना भी चाहिए, ओके, ठीक है, तो x sin थीटा into cos थीटा, अब इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, इस वाली इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, इस वाली इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ये आपका y into y cos थीटा, y cos थीटा, ओके, ये हो जाएगा आपका y cos स्क्वायर थीटा, y cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है सर, कोई नहीं, आ जाओ ये लो, तो अब मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, ओके, अगर आपको दिख रहा हो तो ये और ये कटने के लिए बने हैं, ये और ये कटने के लिए बने हैं, ठीक है, ओके, इधर आपको दिखा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस, बहुत लेंदी है, बहुत ही लेंदी है, इधर आपको दिखा होगा ये दोनों माइनस बाहर ले लो, ये माइनस बाहर ले, अंदर आपको दिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको वन होता है, यहाँ से आपका कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई आ जाएगा आपका वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, कैपिटल वाई, सिमिलरली आप कैपिटल एक्स भी निकाल सकते हो, जो मैं निकाल के आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लेंदी है सर, बहुत ही लेंदी है, ऐसा जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसा जिसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है उसमें इतना टाइम देना मेरे को तो नहीं लगता अच्छा है, लेकिन हाँ यूट्यूब है तो प्रूफ बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पहले बोला कि बहुत टाइप्स के लोग आते हैं यूट्यूब में सर्च करने के लिए, हो सकता है कोई इसका प्रूफ ही सर्च करने के लिए आ जाए, तो इसका कोई प्रूफ ही सर्च करने के लिए, उसको प्रूफ मिलना चाहिए कि यस वर्मा मिलना चाहिए कि नहीं, उसके साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने वाई निकाल दिया, y के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था बोलो, y के लिए मैंने साइन थीटा, इसको साइन थीटा से और इस वाली को कॉस थीटा से, यस और नो, और ये ब्लैक वाली को कॉस थीटा से किया था, ठीक है, अब बिल्कुल उल्टा कर दो, अब उल्टा फोड़ दो, अब इसको इसको कॉस थीटा से करो और इसको साइन थीटा से, आपका आंसर धड़ल्ले से आ जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए आप लोग इधर ही स्टॉप करेंगे, ठीक है, आज के लिए आप लोग इधर ही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट से आ जाएगा आपका स्लोप एंट्री हो जाएगी, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देख लेंगे स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, लाइंस, फिर लास्ट में जब लाइंस खत्म होगा ना, जब लाइंस एंड होगा तो उतने समय दो लेक्चर रखेंगे जिसमें जेई के पी वाई क्वेश्चन करेंगे, अभी तक के जितने भी 20 से 30 क्वेश्चन होंगे मोस्ट प्रोबेबली, सारे दो लेक्चर या तीन लेक्चर जो भी लगेगा उसमें कर लेंगे, ठीक है,
तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखो यार, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।